रोज़ की तरह आज भी जो है ना वो पुरानी शीट हम धो देंगे, नई शीट पे इनको रख दिया, उसको वहाँ से हटाते हैं, इनको पीछे घसीटते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। ब्लॉग देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। जल्दी जल्दी जो है ना वो हम अपने शामों के काम मुका लेते हैं। पार्क वाला आप देख सकते हैं, इनको बना के डाल दिए थे, इन्होंने पी भी लिया काफ़ी, और फीड अभी इनकी पड़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा पानी में ऐड करता रहता हूँ ताकि ये जो है ना फीड ज़ाया कम से कम करें, फिर भी ये ज़ाया कर देते हैं। मैंने कहा क्यों ना आज आपको क्लीनिंग प्रोसेस भी दिखा दिया जाए। पहले पानी मार के हम गंद साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ये देखें सरफ मारा मैंने फ्लेक्स के ऊपर और बाकी का गंद भी जो है ना मैक्सिमम साफ़ हो गया। इससे ये है कि जरासीम भी जो है ना मैक्सिमम इसके ऊपर से ख़त्म हो जाते हैं। अब एक दफ़ा दोबारा इसके ऊपर हम पानी से इसको धोएंगे और इसके बाद हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। फिर हम इसको सूखने के लिए रोज़ की तरह स्टेज पे रख देंगे और कल इस्तेमाल कर लेंगे। ये चेक करें जी, हम ऊपर अपने सेटअप पे आ गए हैं। शाम हो गई है, हल्की हल्की हवा चल रही है जिसकी वजह से आपको ये चिक थोड़ी सी हिलती हुई भी नज़र आ रही होगी, और मुझे देख के सारे कबूतर जो है ना वो फड़फड़ा के रेडी हो रहे हैं कि हमें खाना मिलने वाला है। देखें माशाल्लाह से सारे फुल केज भरा हुआ है हमारा। इसी तरह ही हमारा ये बर्ड एवीएवी वाला भी केज भरा हो तो कितना खूबसूरत लगेगा। तो इस बारे में भी कुछ सोचते हैं, करते हैं। और देखें हमारे बंटी बबली की निशानी, ये देखें जी बिल्कुल बंटी जैसा लग रहा है ना ये आपको माशाल्लाह से। और ये तो यानी ये मेल लग रहा है, वो फीमेल लग रही है मुझे, क्योंकि इसके देखें अभी तक कोई वो नहीं निकले चूंच के ऊपर, इंग्लिश में जिसे वॉटल और उर्दू में कंगी वगैरह कुछ नहीं निकली है वाले। हालांकि ये भी वही सेम नस्ल का, तो वो वाले देखें वो ऐसे लग रहा है जैसे पूरा छोटे साइज़ का मुर्गा या मुर्गी हो, और इसका अभी कुछ नहीं लग रहा। तो देखते हैं क्या बनता है इसका, प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। काफ़ी दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि ये तो खूबसूरत हो गया, बस अब ये साइज़ में ग्रो करेगा। हाँ जी असील मुर्गियों, तुम्हारा क्या सीन है, हैं ये असील मुर्गियाँ भी हैं तो किसी की, लेकिन इसका कलर देखें कितना मिलेगा, ऐसे ब्राउन वाइट और ब्लैक फैदर्स हैं, बाकी दो ब्लैक हैं और एक ये गंजी सी जो है ना ये मुर्गा बनेगा मेरे ख्याल से, जितनी बड़ी इसकी ये कंगी है। और इसको देखें आप, ये ब्राउन कलर में है और ब्लैक साथ पीछे टेल है, ये वाला प्यारा कलर लगा मुझे। तो इनको भी दाना डालते हैं, लेकिन इनको दाना नहीं डालना आज, इनको डालेंगे हम ये भीगी हुई रोटियाँ। चलो चलो अंदर चलो, देखें वो भी रेडी हो गई हैं खाने के लिए। ये सारी हमने डाली इन्हें इसलिए क्योंकि अभी नीचे से जो है ना वो हम और नान लेके आए हैं, ये देखें इनको भिगोएंगे और इनको हम डालेंगे अपनी दूसरी मुर्गियों को। मुर्गियां घर में आपने रखी हो ना तो आपकी कोई भी चीज़ इस तरह की जो है ना वो वेस्ट नहीं जाती, वो आप अपनी मुर्गियों को डाल सकते हैं। इसी तरह ही जो है ना इसमें पानी भर के रखते हैं, फिर इन मुर्गियों को डालेंगे। पानी रख दिए पिजन केज में भर के मैंने साफ, और जावेर साहब भी ऊपर आ गए। जावेर साहब ऊपर आए हैं, जावेर साहब से काम करवाते हैं। जावेर जाओ ये मोरों को दाना डाल दो। हाँ गिराना नहीं, चलो वो आगे कनाली पड़ी हुई ना उसने डाल के आओ। चलो कुछ भी नहीं कहेंगे बेटे ये, हाँ देख के दाना ना गिराना, ध्यान से जाओ जा आगे जाओ ना,
कुछ भी नहीं कहेंगे बेटे, बाबा इधर ही हैं, कुछ नहीं कहेंगे ये आपको। तो थोड़ा डाटा, क्योंकि नॉर्मली ना ये कनाली इधर पड़ी होती है तो ये इजीली, कुछ भी नहीं कहा ना उसने। आप ऐसे ही डर रहे थे, नहीं डर रहे थे आप? तो हो ही बहुत बहादुर, आप तो बिल्कुल भी नहीं डरते है ना। ईदान डरता है? ईदान ना मेरी बहन का बेटा, असल में वो बिल्कुल भी नहीं डरता, लेकिन कोई भी काम इसने खराब करना हो ना या जो भी कोई भी इल्ज़ाम लगाना हो ना वो उस पर लगा देता है कि ये ईजान करता है। तो हालांकि वो भी मोरों से नहीं डरता, कोई चीज़ ख़राब हुई हो ईजान ने की है, कोई काम खराब, कोई ऐसा बात हो, ईजान डरता है, ईजान करता है, तो ये ऐसे करता है ये। ईजान कब डरता है? आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहा, सही बोल रहा हूं। सुन लो इसकी बातें, सुन लो ये डाल दिया। अब बाबा की बारी, अब बाबा पिजन्स को दाना डालेंगे। चलो जी, दाना पानी हो चुका है हमारा, दावेर को देखते हैं, याद आता है बंटी बबली ना, निकाल के दावेर को दिखाते हैं, दावेर को देखते हैं कि याद आती कि नहीं आती। दावेर को ब्लू और पिंक टन ही चाहिए बस। चलो इनको ना सारों को बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। हाँ ये छोटे हैं ना, ये नहीं कुछ कहते। चलो आप डरे नहीं थे, ये देखें मिनी मिनी बंटी बबली हमारे। दावे ये देखो, ये बंटी जैसा है ना, ये वाला छोटा सा ही है, ये भी प्यारा है ना, ये बाकी चूजे बड़े से है, बाकी चूजे बड़े से हैं, ये छोटा सा है। नहीं ना ब्लैक, बाकी बड़े से है, बाकी बड़े से हैं, ये छोटा सा है, छोटा सी है वो बाकी। क्या हो, मुर्गी बोल रही है? मुर्गी बोल रही है, मुर्गी तो बोलती रहती है बेटे। मैं फटाफट ऊपर गया था ना। चलो इनको वापिस केज में डाले, मैं चाह रहा हूँ ये बंटी बबली के बच्चों को मैं रहने दूँ बाहर ही और बाकियों को अंदर कर दूँ, लेकिन ये काम कैमरे के साथ मुश्किल है। ये देखें, ये बंटी बबली का जो है ना बच्चा है, और ये हमारी जो है ना मेरे ख्याल से ब्रह्मा का क्रॉस में बच्चा है, तो इन दोनों को मैं आपको सेपरेट करके दिखाना चाह रहा था। अब इनको अंदर बंद कर देते हैं, और दावियार की पूरी जोर फरमाइश पे ये ब्लू और पिंटन को भी हम बाहर निकालने लगे हैं। भाई दावियार ने तब से मेरा दिमाग खाया हुआ है कि इनको भी बाहर निकाल, ये देखें डंडा भी दे रहा मुझे, कह रहा है इनको बाहर निकालो, बट ये खुद ही बाहर आएंगी। आ जाओ आप, खुद ही बाहर आ जाएंगे, पीछे हो जाओगे ना फिर आएंगी। चलो भी बाहर चलो, वो देखें ब्लू और पिंटन बाहर आने लगे, हम साइड पे हो गए, आ गई बाहर, आ गई आप। हाँ प्यार कर लो, मीनवाइल आप हमारी हालत देख लें, फुल पसीना पसीनी हो चुके हैं हम। मौसम जो है वो अजीब सा ही है, अब बस गर्मी पकड़ लो, मैं इसको अंदर नहीं जाने दूंगा, तुम पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, केक ही कुछ नहीं, पकड़ लो आगे होकर पकड़ो, दौड़ लगवाओ इसकी, दौड़ दौड़ो 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 दौड़ो, जाओ ना पकड़ो। नहीं आ रही, वो नहीं आएगी, तुमने जाना है उसके पास, चक्कर कहते हैं वो नहीं आ रही।
साथ साथ जो है ना डर भी रहा थोड़ा थोड़ा। बागी है बाबा पकड़े। बाबा ने पकड़ लिया, लो पकड़ लो जफ्फी डाल लो। जफ्फी कैसे डालते हो ऐसे? चलो इधर देखो कैमरे की तरफ, कैसी लग रही है? सही लग रही है? दिली दिली ख्वाहिश पूरी होगी आपकी? चलो अब छोड़ दो इसे नीचे ताकि घर चले जाए अपने। चलो भाई चलो घर के अंदर अपने चले जाओ। चलो तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। एक काम तो हम भूल ही गए कि इनको जो है ना ये रोटियां भिगी हुई डालनी थी हमने। चलो अंदर अंदर मिलेंगे अंदर। मुर्गियों के लिए नान है बेटे, ये देखें इतनी जो है वो इनको डाल देते हैं, बाकी हम अपने मोरों को डाल देंगे। ये देखें जी हमारे मोर भी कितने शौक से रोटियां खा रहे हैं सारी भीगी हुई भी।